हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा वीवो वी ट्वेंटी के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा वीवो वी ट्वेंटी के बारे में, क्या इसका प्रोसेसर, क्या इसका बैटरी बैकअप, क्या इसका कैमरा और क्या होने वाली इसकी प्राइस। मैं आज सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इस वीवो वी ट्वेंटी के बारे में। मैं हूँ नीरज कुमार, और अभी तक आपने हमारे टेक्निकल नीरज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैक डिज़ाइन के बारे में। आप देख सकते हैं इसकी बैक पैनल जो ही बहुत ही कमाल के निकल के आता है इस लुक में। आप देख सकते हैं जो इसका लुक है बैक में, ये जो इसका बैक पैनल, ये मैटी क्लॉथ का बैक पैनल है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इस फ़ोन को अगर अपने हाथ में लेंगे तो बहुत ही मैटी फील होगा। जी हाँ साथियों, और इसी को देखने को यहाँ पर तीन कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो पहला कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल, जो तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के दो कलर एंड दो वेरियंट कंपनी ने लॉन्च किया। जो पहला वेरिएंट है 8GB 128GB, और ये लगभग आपका 25 से 24 हज़ार के बीच में 24,999 रुपये में आ जाता है। और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 256GB, ये आपको लगभग 27,999 रुपये में आ जाए। बात करते हैं इसकी मेन डिस्प्ले के बारे में। जो इसका डिस्प्ले है वो 6.4 इंची का डिस्प्ले है और फुल HD एलमोंड के साथ में आता है। यहीं पे कॉर्नर में यहीं पे आपका जो सेल्फी है, ये सेल्फी 44 मेगापिक्सल की है। जी हाँ, सही मैंने बताया, आपको जो ये सेल्फी दे रहा है, आपको जो ये सेल्फी दिया गया है 44 मेगापिक्सल की है, जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप फोटो लेते हैं तो बहुत ही कमाल की फ़ोटो इस फ़ोन से निकल के आएगी। बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथियों 2400x1080 रेजुलेशन पिक्चर के साथ आप आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग, फुल के HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी बैटरी बैकअप 4000mAh की बैटरी है, और इसके साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथियों बात करते हैं इसका प्रोसेसर का। जो इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 700G प्रोसेसर के साथ में आपको मिल जाएगा, जो कि इस फोन को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है इस प्रोसेसर के साथ में। एंड्रॉयड 11 पर बेस करता है साथियों, और आपको इसमें डुअल 4G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी में इसे अभी तक कोई दावा नहीं किया कि 5G है। शायद ये जो वीवो V20 Pro आ रहा है वो शायद आपको 5G का सपोर्ट उसमें देखने को मिल जाएगा। मैं सिक्योरिटी इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले दिया गया है, जो बहुत ही फास्ट काम करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले पे आप अपना फिंगर लग के खोलेंगे, बहुत ही अच्छा इसकी लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसके नीचे साइड में जो वहाँ पे आपको दिया है, वहाँ पे 3.5mm जैक, उसके बाद आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बगल में आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड साइड में स्पीकर का भी सपोर्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके राइट साइड में आपको पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके जस्ट ही ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में, अप साइड में ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पे आप सिम डाल या निकाल सकते हैं। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करते हैं तो आपके फ़ोन के परचेस इनबॉक्स में क्या क्या मिल सकते हैं। इस फ़ोन के साथ में आपको एक ईयरफोन, टाइप सी USB का केबल एंड पावर एडाप्टर केबल भी देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको सिम इजेक्टर टूल और कुछ मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये फ़ोन आपको कैसा लगा, क्या इसका अच्छा फीचर, कौन सा आपका फीचर इसका अच्छा लगा, कौन सा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें भी पता लग सके आपको इस फोन का कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों तरीके से मैं अपने YouTube चैनल पे नया वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।